हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारी लेटेस्ट अपडेट और वीडियो आप तक पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर हिरा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज मैं आपको बताऊंगी एचआर नंबर 15 के बारे में, जिसे गॉटिक ड्रॉप्स भी कहते हैं। दोस्तों, ये ड्रॉप्स यूज़ होते हैं गेंठिया या फिर बढ़े हुए यूरिक एसिड के लिए। दोस्तों, हम लोग जब अपने रोज़मर्रा की डेली रूटीन, हम खुराक में अगर गोश्त का हम इस्तेमाल ज़्यादा कर देते हैं तो फिर हमारे खून के अंदर यूरिक एसिड की जो मिकदार है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से अक्सर औकात हमें जोड़ों का दर्द का सामना करना पड़ता है। हमारे जितने भी जॉइंट्स हैं उनमें बहुत दर्द होता है, तो यूरिक एसिड को नॉर्मल लेवल पे रखना ब्लड में हमारे लिए ज़रूरी होता है। अगर हम यूरिक एसिड को टाइम पे कंट्रोल ना करें और वो लंबे अरसे तक उसका लेवल बढ़ जाए तो फिर वो गेंठिया की तरफ चला जाता है। तो दोस्तों, ऐसी कंडीशन में एचआर 15 ड्रॉप्स बहुत ही यूज़फुल हैं। इसके फार्मूले के बारे में बताती हूँ कि इसके अंदर जो मेडिसिन यूज़ की गई है उनकी क्या क्या खसूसियात हैं। तो फर्स्ट मेडिसिन जो इसमें यूज़ की गई है वो है एपीएम ग्रेवियोलेनिस। तो दोस्तों, अगर कुछ पेशेंट को गेंठिया हो जाता है तो उसके साथ उनकी जो गर्दन की और जो तकोनी हड्डी होती है, इनमें अगर ये गेंठिया का मर्ज़ ज़्यादा फैल जाए, उसकी वजह से बहुत दर्द हो, प्लस ये कि यूरिक एसिड का जो लेवल है उनके ब्लड में बहुत ज़्यादा बढ़ गया हो और जोड़ों में उनके इतने शिद्दत का दर्द होता हो कि उनको चलना फिरना महाल हो जाए, तो ऐसे सिम्टम्स में एपीएम जो है वो बहुत इफ़ेक्टिव है। नेक्स्ट, इसमें मेडिसिन ऐड की गई है कॉल्चिकम। तो दोस्तों, जो हमारे पट्ठों जो पट्ठे होते हैं, मसल जो कहते हैं, इन जो रेशे होते हैं और जो हमारी हड्डियों के ऊपर गिलाफ चढ़े होते हैं और जो हमारे जोड़ होते हैं यानी कि हमारे जो जॉइंट्स होते हैं, इनके ऊपर भी बहुत नाजुक नाजुक सी मेम्ब्रेन्स होती हैं। अगर ये चिकनाहट इनके ऊपर इनके नॉर्मल लेवल की रहे तो ये हमारे जो जॉइंट्स हैं और जो हमारे मसल्स हैं वो नॉर्मल काम करते रहते हैं, लेकिन अगर इनमें कोई कमी बेशी आ जाए तो वो नॉर्मली काम नहीं कर पाते और फिर जॉइंट्स में पेन होती है। तो कॉल्चिकम इनको नॉर्मल, उनकी जो चिकनाही होती है, चिकनाहट होती है, उसको नॉर्मल रखती है। इसके अलावा जो गेंठिया के दर्द ऐसे होते हैं कि जिनकी वजह से जिस हिस्सों पे दर्द होता है वो उनमें रेडनेस आ जाती हो, सोजिश बहुत ज़्यादा पाई जाती हो और दर्द ऐसा महसूस होता हो कि पेशेंट ख़ुद ये कहता है कि हमें जैसे काटने और चीरने की तरह की तकलीफ़ हो रही है, तो ऐसी तकलीफ़ में कॉल्चिकम इफ़ेक्टिव है। नेक्स्ट, इसमें मेडिसिन मिलाई गई है हार्पोगोफाइटम। तो दोस्तों, ये दवा जोड़ों और जो हमारे मसल्स होते हैं और मसल्स के जो रेशियो वगैरह होते हैं उनके अंदर जो दर्द होता है ये उसको ठीक करती है। नेक्स्ट है सोलेक्स अल्बा। तो हमारे जो फिज़िकली हमारे पूरे जिस्म में किसी भी किस्म का दर्द हो तो ये दवा उस दर्द में बहुत इफ़ेक्टिव है। अगर थकावट बहुत ज़्यादा हो जाती है, थोड़ा सा भी काम करने के बाद हड्डियों में या जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है तो ये उसे रिकवर करती है। नेक्स्ट मेडिसिन है सोलेटा गो। दोस्तों, अगर हमारे गुर्दों में जो ब्लड है उसका ज़्यादा कॉम्बिनेशन यानी कि इज्तमा खून बढ़ जाता है और फिर उसकी वजह से जो यूरिक एसिड है उसका लेवल बढ़ जाता है तो हमें कमर में दर्द शुरू हो जाता है या फिर गैंग्रीन जो एक इशू है इसके अंदर भी फिर वो सोलेक्स और सोलेडागो ये उनको रिकवर करती है। नेक्स्ट है अर्टिका डायोका। दोस्तों, जब यूरिक एसिड ब्लड में हमारे बढ़ जाता है तो वो ना सिर्फ गेंठिया का बायस बनता है यानी कि गेंठियावी दर्द का बायस बनता है बल्कि हमारे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के ऊपर सोजिश भी वो पैदा कर देता है। और सोजिश जब होती है उन जोड़ों पे तो इतना खिंचाव पेशेंट को महसूस होता है कि वो अपने हाथ पांव पहले सीधे करने में भी या उनको हरकत देने में भी तकलीफ़ बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। तो आर्टिका ऐसे खिंचाव को और ऐसी सोजिश को कम करता है और आहिस्ता आहिस्ता फिर कम्प्लीटली वो उसे रिकवर कर देता है। नेक्स्ट, इसमें मेडिसिन है आर्टिका यूरिन्स।
तो दोस्तों, छपाकी एक मर्ज़ जिसे आम जबान में कहा जाता है गेंठिया और छपाकी, इनमें असाब जो हमारे असाब हैं उनमें सोजिश आ जाए वो, और यूरिक एसिड बढ़ जाए वो, इन तमाम अलामात में अगर इन एक साथ ही पेशेंट को ये सब कुछ इन तमाम अलामात का सामना करना पड़ रहा है, तो हम कहेंगे कि जो आरटी का यूरिन है वो इन तमाम को रिकवर करने में और तमाम मेडिसिन से अगर कंपेयर किया जाए तो इसका मुकाबला वो नहीं कर सकती। यानी कि इतनी इफ़ेक्टिव है आर्टिका यूरिन गेंठिया में, असाब की सोजिश में, यूरिक एसिड के बढ़े हुए लेवल में और छपाकी के मर्ज़ में। दोस्तों, इस्तेमाल इसे करने हैं आपने 10 से 15 ड्रॉप्स। अगर आपकी सीवियर कंडीशन है तो आप हर 2 से 3 घंटे के बाद आप इसे रिपीट कर सकते हैं। अगर आपको नॉर्मली इसका इशू इतना ज़्यादा नहीं है तो आप दिन में इसे सिर्फ 3 दफ़ा इस्तेमाल करेंगे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।